नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खबर बालाघाट तहसील लाल बर्रा कटंगझरी पटेल टोला से। ग्रामीणों का कहना है कि 19 अप्रैल को हमारे गांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सुरेंद्र गोंडा ने अपने परिवार सहित पूजन पाठ के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, परंतु व्यक्तिगत काम होने के कारण वह रैली में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर उनके परिवार के सदस्य रैली में सम्मिलित हुए थे। इसी बात को लेकर 22 अप्रैल को एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सुरेंद्र गोंडा ने सम्मिलित हुए। मीटिंग में आरोपी एक ने कहा कि जो लोग कार्यक्रम में सहयोग नहीं करे वह रैली में नहीं आए, जिसमें सुरेंद्र गोंडा ने शंकर लांजेवर, ब्रह्मानंद मेश्राम, फूलचंद फुलमारी, गिरीश फुलमारी, इन व्यक्तियों का हुक्का पानी बंद किया गया और उनके ऊपर जुर्माना के रूप में एक एक व्यक्ति को 3,000 रुपये वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं देंगे तो उसे जाति समाज से बहिष्कृत किया जाएगा और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। उसे कोई अपने घर में नहीं बुलाएगा, उसके घर में समाज कोई भी संबंध नहीं रखेगा। इस घटना से संबंधित कुछ ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं समस्या लेकर आया था कि मुझे समाज के लोगों ने बहिष्कार किया और मुझे 21,000 रुपये से दंडित किया गया। कौन से समाज के लोग? मैं बहुत समाज से हूँ। मुझे 4-5 लोग मिलकर समाज के 5-4 लोग मिलकर जो पदाधिकारी है उन लोगों का कहना है कि हम तुम्हें समाज से बहिष्कार करते हैं और 21,000 रुपये का जुर्माना करते हैं। क्या बहिष्कार करने वाले आप ही समाज के लोग? जी हाँ, हमारी समाज के लोग। क्यों बहिष्कार किया, क्या वजह बताएं? उनका कहना यह है कि आप लोग कार्यक्रम में नहीं आए, जो कि हम कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कौन से कार्यक्रम की बात है? जयंती का कार्यक्रम 19 तारीख का था, डॉक्टर अंबेडकर जयंती का। 14 अप्रैल वाली 19 तारीख को मना रहे थे। ग्राम पटेल टोला कटंगझरी। आपको अकेले को ही किया गया है, अलग समाज से? नहीं, 4-5 लोगों को किया गया है, जिसमें किसी पे 3,000, किसी पे 5,000, किसी पे 21,000 रुपये रखा गया है। आप तो पैसे देना नहीं चाहते? नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान में कि किसी से दंडित किया जाए और जुर्माना लिया जाए। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में दर्ज कराई? संबंधित थाने में भी दर्ज कराई थी, कलेक्टर सर के यहाँ भी दर्ज करवाया था। कब करवाया था? यहाँ पे 24 तारीख को। तो अब तक क्या कार्रवाई? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? शासन से यही चाहता हूँ कि कार्यवाही होना चाहिए। आज कलेक्टर ऑफिस में आपने शिकायत पुनः दर्ज करवाई है? मैंने शिकायत यहाँ पर। कहाँ रहते आप? ग्राम पटेल टोला कटंगझरी। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ ये घटना घटी सर, मैं रैली में भी गया था तो रैली में नहीं आए बोलने लगे समाज वाले। फिर मीटिंग रखी गई सर वहाँ, तो मेरे को बोलने लगे सर कि आप बोले चिंगड़ करते हो बोले आपको, तो मेरे को मारपीट करने लगे सर। किसने मारा आपको? मेरे को राजा फुलमारी, ओम प्रकाश मेश्राम, ये तीनों लोगों ने सर मुझे मारा। चोट आई थी क्या? मारी थी आपको? चोट आई थी? नहीं आई सर। फिर उसके बाद जो सर घर पे भी आए और फिर घर पे आने के बाद गंदी गाली देने लगे सर और मारपीट करने लगे सर मेरे। तो आपने नजदीकी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? थाने में रिपोर्ट डाला था सर, मैं कलेक्टर साहब को रिपोर्ट डाला था सर मैंने। कब की घटना ये? 24 तारीख की सर। 24 तारीख? 22 की घटना है सर। 22 की घटना है, आपने 24 तारीख को पहले एक आवेदन दे चुके थे? यस सर। कलेक्टर साहब को? यस सर। उसका कोई रीजन नहीं है? नहीं, रीजन नहीं आया सर। नहीं आया अभी तक? नहीं आया। तो समाज से बहिष्कृत किया गया है? यस सर, मुझे भी समस्या से बहिष्कृत किया। और किस किस को किया गया है? ये 5-6 आदमी का सर, शंकरलाल लांजेवार है सर और गिरीश फुलमारी। क्या क्या चीज़ में रोक लगाई गई है आपको? यानी रोक लगाई है सर, इनके घर में जाएगा नहीं कोई और न इनके खान पीन करेगा, न बातचीत करेगा, ऐसे बोले सर। तो अभी आप जो कलेक्टर कार्यालय क्या मांग रख कर आए आपके यहाँ? मैं, मेरी समस्या हल होना चाहिए सर। क्या शादी वादियों से भी बड़ा बहिष्कार किया गया? हाँ, शादी से बहिष्कार किया गया था सर। समाज के कोई भी काम नहीं आपको आने से वंचित किया? दुकान में जो किराना खरीदे वो भी नाटक कर रहे हैं, मतलब वो भी परेशान कर रहे हैं खरीद करने से? नहीं, किराना दुकान वाले नहीं करते सर। चलो।